हेलो स्टूडेंट्स, ड्रीम क्लासेस के एक नए वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 11 जरा देखें। इसमें दिया हुआ है अवकल समीकरण d2y/dx2 का होल क्यूब प्लस dy/dx का होल स्क्वायर प्लस sin dy/dx+1=0 की घात। क्या पूछ रहा है कि घात। स्टूडेंट्स, यह ऑब्जेक्टिव है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 3, 2, 1 और डी है और परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ज़रा ध्यान दें, हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था और यहाँ पर एक बार फिर बता दे रहे हैं कि ऐसा अवकल समीकरण जिसमें साइन या कॉस के साथ गुणांक के रूप में अवकल गुणांक वाला पद लगा हुआ या अवकल गुणांक लगा हुआ हो, उसका घात परिभाषित नहीं होता। उसकी डिग्री तो परिभाषित हो जाती, जैसे कि इसका डिग्री, सॉरी, उसका ऑर्डर कोटि तो परिभाषित हो जाता है। जैसे इसका ऑर्डर कितना है, यहाँ पर 2 है, लेकिन इसकी डिग्री यानी घात परिभाषित नहीं होती, तो इसका घात भी परिभाषित नहीं होगा और आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 जरा देखें, इसमें अवकल समीकरण दिया हुआ है 2x²d2y/dx2-3dy/dx+y=0। तो स्टूडेंट्स, इसका कोटि पूछ रहा है। इसका क्या पूछ रहा है, कोटि मीन्स ऑर्डर। तो स्टूडेंट्स, ऑर्डर के तौर पर इसमें देखें विकल्प दिया हुआ है 2, 1, 0 और डी है परिभाषित नहीं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ज़रा ध्यान दें, यह अवकल समीकरण है। इसका देखेंगे अगर पूछा जाए तो इसका ऑर्डर कितना है, 2। मैक्सिमम ऑर्डर वाला पद यह है और इसका ऑर्डर कितना है, 2। और लेकिन इसकी डिग्री यहाँ पूछा गया है, कोटि पूछा गया है, ऑर्डर, तो ऑर्डर पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। इसमें डिग्री नहीं पूछा गया है, तो इसका ऑर्डर मीन्स कोटि कितनी भाई इसकी, 2। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।